सो जैसे कि आपने देखा, अक्षता मेरे साथ राइड पे नहीं आ रही है, और देखो कहाँ आके फंस गया हूँ मैं, मुंबई के सड़ी हुई बेकार ट्रैफिक। यार क्या बताऊँ, मूड खराब हो रहा है यार, है ना। मतलब राइड के लिए निकलो और ट्रैफिक पे फंसो ना, ये बहुत बहुत बेकार चीज़ है। और ये कोई हिल ही नहीं रही है, मतलब आदमी जाए तो कहाँ जाए। ओए बेटे अभी छू देता है। ओके हेलो हेलो बैक अगेन। ओ और ये खड्डे गुड्डे। ओके और ये हम वापस आ चुके हैं मुंबई से बाहर। ओ माय गॉड भाई दिमाग खराब। ये वेस्टर्न लाइन, मतलब तुम आधी जिंदगी ना ट्रैफिक में निकाल लो, ये हालत होती है वेस्टर्न लाइन की। ओ भाई साहब कहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है, कहाँ ट्रैफिक नहीं लगी है, हर जगह कंस्ट्रक्शन भी ट्रैफिक भी, बताओ। खैर छोड़ो। सो फाइनली मुंबई के बाहर। गर्म हो गया था मैं और हंटर, दोनों हम गर्म हो गए थे, दिमाग से भी इंजन से भी हर जगह से। तब जाके थोड़ी हवा लग रही है, अच्छी लग रही है। तो हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मेरी पहली राइड है सोलो। अगर हमेशा मैंने अपने फेलो राइडर्स के साथ ही राइड करा है या अपने वाइफ के साथ राइड करा है, तो दिस इज़ माय सोलो राइड। और मैं ये बोल रहा था कि मैं एक स्ट्रैटेजी लेके जा रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रैटेजी सिंपल है, देखो अकेले जा रहा हूँ तो मेरी फीलिंग ये है कि भाई पहले तो मुझे एक्साइटमेंट भी बहुत है कि वाओ फर्स्ट टाइम अकेले राइड पे जाना, ओके। और वो भी 1000 किलोमीटर भाई, तो भाई मजा आएगा, अब आएगा मजा, ठीक है। तो मैं स्ट्रैटेजी की बात कर रहा था। स्ट्रैटेजी मेरा सिंपल है भाई, अकेले जा रहा हूँ, सेफ जाना है, सेफ्टी इज द प्रायोरिटी, स्पीड इज नॉट द प्रायोरिटी। और जब मैं निकल रहा था, बिकॉज मेरे फैमिली, माय वाइफ, सारे लोग, दोस्त लोग जिनको भी मैंने बताया, मेरे ऑफिस के कलीग जिनको मैंने बताया, सबको फिक्र है कि भाई तू सेफली जा, राइट। खास करके फैमिली मेंबर्स और लाउड वंस, तो उनको तो ज़्यादा फिक्र होती है कि मैं अकेला जा रहा हूँ, बाइक पर जा रहा हूँ, रोड पर जा रहा हूँ, रात को जा रहा हूँ। तो यस, उनको हमेशा ध्यान में रखते हुए कि भाई उनकी भी फिक्र है, तो मैंने क्या कर रखा है, मैंने उनको मतलब मेरा स्ट्रैटेजी है भाई सिंपल है, सिंपल स्लो स्पीड चलो, अपनी 80 पे क्रूज करो, कोई हाई नहीं है। तो 80 पे क्रूज करने का फ़ायदा ये होता है कि तुम काफ़ी स्ट्रेस नहीं लेते, बिकॉज जितना तुम हाई स्पीड पर जाते हो उतना तुमको फोकस ज़्यादा रखना पड़ता है, फोकस ज़्यादा रखना पड़ता है, मतलब तुम मेंटल को स्ट्रेस दे रहे हो, आँखों को स्ट्रेस दे रहे हो, आँखों को स्ट्रेस दे रहे हो, मतलब दिमाग को स्ट्रेस दे रहे हो, तो इतना तुम्हारा मेंटल फटीग बढ़ता है। तुम योर आर्म्स योर लेग्स आर ऑलवेज ऑन हाई अलर्ट, राइट। 80 ऐसी स्पीड है जो एक स्वीट स्पॉट है, राइट। अगर एक्सपीरियंस राइडर्स को डेफिनेटली स्वीट स्पॉट है, जो अगर नए नए चालू कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा हो सकता है कि ओके 80 भी फास्ट लगे, तो स्लो एंड स्टडी 60 पे चलो, 70 पे चलो, फिर 80 पे चलो। फिर क्या होता है ना, एक टाइम पे तुम्हारा आईज, तुम्हारा ब्रेन गेट एडजस्टेड टू द स्पीड, वो उस मोमेंटम को कैप्चर कर लेते कि एंड देन दे गेट यूज्ड टू इट, तो तब रिलैक्स्ड फील होता है। जैसे कि अब मैं रिलैक्स्ड फील हूँ, व्हाट एम आई डूइंग, आई एम डूइंग अराउंड 78, ठीक है। और ये स्पीड लिमिट के अंदर भी है, दिस इज़ अ स्पीड वेयर यू कैन एक्चुअली कंट्रोल ऑल्सो योर व्हीकल। कहीं कुछ गड्ढे गुड्ढे आ गए, भाई फटक से डॉच कर लिया या ब्रेक मार के डॉच कर लिया, राइट, इट्स अ गुड कंट्रोल स्पीड ऑल्सो। सो आई प्रेफर 80 ड्यूरिंग द नाइट्स स्पेशली, और ड्यूरिंग द डे 100, डिपेंडिंग रोड की स्पीड लिमिट क्या है, जो स्पीड लिमिट है उस हिसाब से चलो, ओके, इट इज़ ऑलवेज फॉर योर सेफ्टी ओनली। तो यस, मेरा स्ट्रैटेजी ये है, स्लो चलेंगे, आराम से चलेंगे, सारे एडवांस में सोचेंगे आगे। लाइक अभी फ्यूल एक डंडी कम हुई है, तो जैसे 3 डंडी आएगा
मैं रुकूंगा नहीं फॉर लास्ट टू डंडी और या वन डंडी, है ना। तो जैसे ही तीन डंडी आएगा भाई पेट्रोल पंप ढूंढना चालू, पहला पेट्रोल पंप जो मिला भर दो फुल, आगे का पेट्रोल पंप कब मिलेगा या बंद रहेगा चालू रहेगा, क्योंकि मैं मिडनाइट को पहुंचने वाला हूँ। तो मेरा पहला पिट स्टॉप आज, मैं मुंबई को मुंबई छोड़ा अराउंड 7:30, एक घंटा तो मुझे मुंबई से बाहर निकलने को लगा। तो पहला पिट स्टॉप है मेरा नवसारी, ठीक है। तो कुछ ऐसा लगता है बॉम्बे गुजरात हाईवे, बॉम्बे राजस्थान हाईवे, रात को अराउंड 9:20, ये जो सामने से लाइट आता ना वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यार, इट गिव्स यू लॉट ऑफ ब्लाइंड, इट ब्लाइंड्स यू, एकदम चमकता आंखों में, तो साला रोड अपना रोड दिखाई नहीं वो देखा देता है। हाँ, तो जैसे कि आपने मेरी स्ट्रेटजी सुन ली, तो यह इज समथिंग ऑफ द डिफरेंस बिटवीन नाइट राइड एंड अ डे राइड, ठीक है। तो नाइट राइड का मज़ा अलग है, वेदर ठंडा होता है, ओके, रोड ऐसे खाली मिलते हैं, नंबर टू। नंबर थ्री, नहीं आई थिंक दो ही है और कोई, अगर 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 तुम्हारे पास कोई ऐसा नाइट राइड का अगर तुमको लगता है कि हाँ दिस इज द बेनिफिट, तो बताओ यार प्रोज में। सो नाइट राइड के कॉन्स, विजिबिलिटी लाइक देखो जैसे छोटे मोटे खड्डे आ रहे हैं, हाँ वो दूर से दिखाई नहीं देते, दिन में वो दिखाई देते दूर से। और ऑनकमिंग ट्रैफिक का हेडलाइट बॉस ब्लाइंडिंग, जो ऊपर डाल के अपर डाल के आता ना उसके बाद कुछ दिखाई नहीं देता, तो दैट इंक्रीज इज द एलिमेंट ऑफ रिस्क। इवन ये जो क्या बोलते हैं पॉट होल्स आना, या कभी कोई ऑयल स्लिक पड़ा है रोड पे, वो लास्ट मोमेंट तक दिखाई नहीं देता अनलेस अनटिल इट्स टू लेट, राइट। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी क्रूशियल कि अगर आप नाइट राइड करते हो और यू प्लान, अगर योर जर्नी इज गोना बी पार्ट ऑफ अ नाइट राइड, तो एक ऑक्सिलरी लैम्प, लाइक आई हैव टू ऑक्सिलरी लैम्प्स एंड एक पावरफुल हेडलाइट, तो वो होना जरूरी है ताकि आपको थोड़ी दूर की दिखाई दे, है ना। और दूसरी चीज़ ये होती है, और एक रिस्क ये है इसमें कि काफ़ी टाइम आपने अगर इंडिया में देखा होगा, देखो ये ट्रक का लाइट चालू है लेकिन उस ट्रक का लाइट चालू नहीं है, राइट। उसने अभी रिफ्लेक्टर स्ट्रिप मेरा वाइट लाइट है करके एकदम क्लियरली दूर से दिखाई दे रहा है, उसका टेल लाइट है लेकिन ऑलमोस्ट धूल में कवर्ड है। सो और काफ़ी सारे ट्रक ऐसे होते हैं जिसमें टेल लाइट चालू भी नहीं होते और वो लोग पार्क्ड होते हैं रोड साइड में ब्रेक डाउन, सो वो बहुत रिस्क एलिमेंट काफ़ी बढ़ जाता है। सो दैट्स वाई आई रिकमेंड, आई सजेस्ट जितना हो सके सेंट्रल लेन में चलाओ, दैट इज़ द सेफेस्ट लेन। ओवरटेक करना है तो राइट में जाओ, क्योंकि राइट साइड से क्या होता है, अभी दो तीन बार ऐसे इंसिडेंट हो गया कि पीपल हैव क्रॉस द रोड, है ना, और लोग दिखाई नहीं देते बस रात को जरा भी नहीं, वो लोग तो रिफ्लेक्टर कुछ का कुछ पहनते भी नहीं, ऐसा सडनली ऐसा कुछ शेडो भागा, तो लोग फटते भाई क्या भागा, बाद एक आदमी भागा, बोला भाई साहब ये लोग तो दिखाई नहीं देते। तो क्या है, अगर आप राइट में रहोगे कोई राइट से भागेगा तो एकदम सड़ल नहीं आएगा, ना ही वो आपको देख पाएगा, क्योंकि पेड़ पेड़ के बीच में की वजह से यू वॉन्ट बी एबल टू सी यू। और वो लोग गलत है, वो दे आर जे वॉकिंग ऑन अ हाईवे, नेशनल हाईवे, इज द स्पीड लिमिट 80 है ना, तो वो आपको सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। आप सेंट्रल लेन में रहते हो तो आपको सोचने का टाइम मिलता है भाई कोई भागा, तो यू कैन कंट्रोल योर व्हीकल, या उसको भी सोचने का टाइम मिलता है कि कोई बाइक आ रहा है रुक जाओ, तो वो रुक जाएगा। सेम गोस फॉर द लेफ्ट लेन ऑल्सो, तो इसके लिए सॉरी गला चुप गया बात करते करते इसलिए हमेशा सेंटर लेन पर करके चलो, जब ओवरटेक करना है तब राइट लेन में शिफ्ट मारो, जैसे कि अभी मैं करने वाला हूँ, सिग्नल दे दो भाई पीछे वाले को पता चले,
कि तुम राइट लेन मार रहे हो। ये देखो ये ट्रक परफेक्ट एग्जांपल, टेल लाइट नहीं है, दिखाई देता नहीं है अनलेस अनटिल उसने रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप नहीं डाला। और ये आया टोल, ये कौन सा टोल है भाई? अगर इस साइड का रास्ता मैंने बहुत कम ट्रैवल किया, नो आइडिया ये कौन सा टोल है। जो कोई जानता हो प्लीज़ बताओ। मुझे लगता है ना मेरे को मेरा बैक का थोड़ा सेटिंग करना पड़ेगा, बैक थोड़ा लेफ्ट साइड के लिए शिफ्ट हो चुका है। इंटरसेप्टर की ना जो इंजन साउंड है ना, ओह एग्जॉस्ट नोट एंड द इंजन वेरी ऑर्गेजमिक। सो ये जो मैं बता रहा था ना, ये मेरा स्टॉक हेडलाइट है, मतलब स्टॉक मतलब मैंने थोड़ा अपग्रेड किया इसको एलईडी में, एंड इट्स क्वाइट डिसेंटली पावरफुल। बट ये एक ऑक्सिलरी लैम्प, यस ये जो डिफरेंस करता है ना, बहुत डिफरेंस करता है। तो अभी हम थोड़ा बैक का सेटिंग देखते हैं और फिर कंटिन्यू करते चौली। अनटिल देन मैंने आपको नाइट के प्रोज एंड कॉन्स बता दिए, तो और सेफ्टी के बारे में बात की हमने काफ़ी। तो अभी है डे टाइम, बज रहे हैं 9, एक्चुअली मुझे निकलना था अराउंड 8 o'clock, नहीं 9:30 बज रहा है, एक मिनट, या 9:30, डेढ़ घंटा लेट हूँ फ्रॉम द शेड्यूल टाइम। तो सेफ्टी के बारे में बात करते हैं डे टाइम में, विजुअल प्रोज एंड कॉन्स की पहले बात करते हैं। तो यस डे टाइम सब कुछ दिखता है, कोई दिक्कत नहीं, इंसान क्रॉस करने वाला दिखता है, ट्रक बिना लाइट का दिखता है, सब 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 दिखता है। सो और एक अच्छी कौन था रात का बारे में जो मैंने बताया नहीं, फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती है अगर आप मिडनाइट राइड कर रहे हो, लाइक कहीं आपको ब्रेक डाउन हो गया या पंचर हो गया या आपको भूख लगी है जोरदार, होटल नहीं खुला, तो ये सब दिक्कत होती है नाइट राइड की। सो दैट इज़ अ वेरी बिग कॉन फॉर नाइट राइड। एक अप्रोच ये है, क्या बोलते हैं, सब कुछ चालू रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एज आई सेड स्पीड लिमिट के हिसाब से, अभी स्पीड लिमिट मैंने लास्ट बोर्ड देखा था 100 का, तो मैं अभी कर रहा हूँ 100। तो यस अभी द प्लान इज टू मेंटेन अ कॉन्स्टेंट स्पीड। अभी ब्रेक मैं बहुत देर बाद लूँगा, मोस्टली 3 घंटे बाद लूँगा, मतलब द प्रॉपर स्टॉप पानी वाटर ब्रेक लूँगा मैं बीच में, ठीक है। तो ये हो गई डे की प्रो एंड कॉन। प्रो कॉन में क्या होता है, कभी कोई तुम सिटी में अगर एंटर कर लो तो यार सिटी ट्रैफिक लग जाती है बस, और जो ये कनेक्टिंग हाईवेज होते हैं नेशनल हाईवेज उसमें भी ट्रैफिक आ जाती है। तो दैट इज़ वन ऑफ द कॉन फॉर डे राइड, बाकी यार सब प्रो ही है, प्रो है ना।